दोस्तों, लंबे समय से इंतजार की घड़ी आखिरकार आ ही गई। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन यानी 22 जनवरी 2024 को अब कुछ ही पल बचे हैं। मंदिर के उद्घाटन और कार्यक्रम से जुड़ी कुछ अहम बातें देखें। दोस्तों, मैं आपका दोस्त रुद्रदेव हूं और मेरे चैनल अर्थ ड्वेलर में आपका स्वागत है। देश भर में यह दिन दीपावली के रूप में मनाया जाएगा। रामलला प्रतिष्ठा दिवस भारत और दुनिया भर के हिंदू समुदाय के लिए एक शुभ दिन होगा। न्यूज चैनल, श्रद्धालु और गणमान्य लोग सभी अयोध्या को लेकर एकत्र हो रहे हैं। जो लोग दर्शन करने में असमर्थ हैं, वे अपने टेलीविजन पर देखेंगे। मंदिर का क्षेत्रफल और निर्माण के बारे में कुछ जानकारी यहाँ दी गई है। संक्षेप में मैं आपको राम कथा के बारे में बताऊंगा। कहानी इस प्रकार है। अपने पिता दशरथ की इच्छा पूरी करने के लिए अयोध्या में जन्मे राम, उनकी पत्नी सीता और उनके छोटे भाई लक्ष्मण तीनों 14 साल के वनवास के लिए चले गए। वे अयोध्या छोड़कर पटना के निकट पहुंचे और गंगा के तट पर निषाद राज से मिले। राम के अनुरोध पर निषाद राज उन्हें नाव में बिठाकर त्रिवेणी संगम प्रयागराज ले गए, जहाँ उनकी मुलाकात आर्षि भारद्वाज से हुई। आर्षि भारद्वाज ने उन्हें चित्रकूट पहुंचने की सलाह दी, जहां राम के छोटे भाई भरत आए और राम से वापस अयोध्या लौटने का अनुरोध किया। अयोध्या के एक साधारण व्यक्ति के रूप में राम उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण जंगल में अपने निर्वासन के दौरान चित्रकूट क्षेत्र से आंध्र प्रदेश के विशाल दंडकारण्य जंगल तक पैदल यात्रा करते थे। तीनों ने इस खूबसूरत लेकिन डर पैदा करने वाले जंगल में लगभग 13 साल बिताए, जो उस समय राक्षसों से प्रभावित माना जाता था। फिर तीनों महाराष्ट्र के पंचवटी चले गए, जहां राक्षस रावण ने साजिश के तहत सीता का अपहरण कर लिया। आंध्र प्रदेश के लिपाक्षी में रावण का सामना जटायु से हुआ। जब वह अपहृत सीता के साथ अपने रथ पर था, रावण ने बड़े पक्षी जटायु को घायल कर दिया। फिर वहां से वे कर्नाटक के किष्किंधा चले गए, जहां राम ने वानर राजा बाली को मार डाला और उनकी जगह किष्किंधा में नए वानर राजा सुग्रीव को नियुक्त किया। इसके बाद राम वानर सेना के साथ रामेश्वरम चले गए और एक शिवलिंग का निर्माण किया। इसके बाद उन्होंने हनुमा के साथ मिलकर एक मजबूत रेजिमेंट बनाने का निर्देश दिया और वहां मौजूद अन्य लोगों से श्रीलंका तक पहुंचने के लिए राम सेतु का निर्माण कराया। श्रीलंका में उन्होंने सीता को बचाने के लिए युद्ध लड़ा। राम ने रावण पर ब्रह्मास्त्र चलाया और रावण का वध कर दिया और अंततः माता सीता मुक्त हो गई। राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या आए। यह थी पुरुषोत्तम श्री राम की लघु कथा। जय श्री राम।